कराची वाटर एंड सर्विस बोर्ड यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन के चेयरमैन जोसेफ सनम, सदर पुनल मक्सी, जनरल सेक्रेटरी इकराम खान, चीफ ऑर्गेनाइजर अकबर मुईद यूसफी, सीनियर नायब सदर चंद जेब, सीनियर वाइस चेयरमैन नाजिम खान ने कहा है कि 20 साल के बाद DPC2 के जरिए प्रमोशन देने के फैसले की हमने तायद करते हुए इसका खैर मकदम किया था और तजवीज भी पेश की थी कि सीनियर अहल तजुर्बेकार आला तालीम याफ्ता मुलाजमीन को प्रमोशंस में फोकियत दी जाए जबकि पढ़े लिखे मसीही मुलाजमीन को प्रमोशंस दिए जाएं। इसके अलावा फोरमैन सुपरवाइजर को सब इंजीनियर का कैडर दिया जाए। लेकिन सरकारी यूनियन, साबिका CBA यूनियन और नामनेहाद खुद साख्ता ऑफिसर एसोसिएशन के सदर की मिली भगत और वाइस चेयरमैन वाटर बोर्ड की गैर कानूनी मुदाखलत के बाइस DPC2 को मशकूक बनाते हुए सीनियर अहल तजुर्बेकार आला तालीम याफ्ता मुलाजमीन की अक्सरियत को प्रमोशन के अमल में यकसर नज़रअंदाज करते हुए जूनियर सिफारशी नाअहल और 2 से 3 साल सर्विस करने वाले मुलाजमीन को प्रमोशन देकर मुलाजमीन की अक्सरियत को नज़रअंदाज करके प्रमोशन से महरूम करके जहनी कोफ में मुब्तला कर दिया है। आज वो हंगामी इजलास था, उनका एजेंडा जो प्रमोशन है, सबसे पहले जिन पे प्रमोशन हुए उन सबको इनाम करवाकर तमाम मजदूरों को मुबारकबाद देते हैं। जिनके प्रमोशन नहीं हुए, वो तमाम दोस्त आप ही ने अपने अपने दाखिल कराए, उन सबको इंशाल्लाह प्रमोशन दिला कर देंगे। हम मैनेजमेंट को ये वार्निंग देना चाहते हैं कि जिन लोगों का प्रमोशन नहीं हुआ, जिन पे साफ नाश्ता दिए, चेक दिए, हमारे पास BTEC, ऑनर्स, GE, डिप्लोमा, मास्टर डिग्री देने वाले हैं, उन सबके साथ नियत किए 30-30 साल, 35-35 साल, 39 साल इस इदारे का जिन्होंने खिदमत किया है, उनके साथ नाइंसाफी है, ज्यादती है, उनको प्रमोशन लेटर नहीं दिया जा रहा है। 2018-19-20 में जिनके प्रमोशन अपार्टमेंट हुए उनको प्रमोशन दिए जा रहे हैं। यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन आज ऐलान कर रहा हूँ, कल से परसों से तमाम दलित संस्थाओं में यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन की तरफ से एहतजाज शुरू होगा। इन्होंने कहा है कि आज से डिवीजन की सतह पर एहतजाज शुरू किया जा रहा है जिसकी तौसीख आज यूनियन के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी ने दे दी है। नदीम सिद्दीकी, Metro 7 पाकिस्तान। उम्दा में पकाएं और जी भर के खाएं।